हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन हाईटेक अब हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज की इस ब्रांड वीडियो में बात करने वाले कि iOS 16 को अपडेट करने के बाद आईफोन का इधर एप्लीकेशंस एक्यूरेट टेम्परेचर या डेटा शो नहीं हो रहा है। बहुत ही सारे आईफोन एंड आईपैड यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि हमने आईफोन का वेदर के साथ साथ एंड्रॉयड वेदर एप्लीकेशंस का कंपेयर किया, बट स्टिल आईफोन का वेदर एक्यूरेट डेटा शो नहीं कर रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि iOS 16 के बाद जो वेदर ऐप का प्रॉब्लम है वो कैसे फिक्स करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सॉल्यूशंस नंबर वन है कि वेदर ऐप में जाने के बाद आपको एप्पल को रिपोर्ट करना होगा। सबसे पहले वेदर एप्लीकेशंस को ओपन कर लीजिए। राइट हैंड साइड बॉटम पे आपको 3 लाइंस मिल जाएगी, उसके ऊपर टैप करना होगा। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे 3 डॉट्स मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको रिपोर्टर इश्यू करके एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे टैप करना होगा। रिपोर्टर इश्यू के अंदर आपको बहुत ही सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सबको टिक अनटिक करके आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही रिपोर्ट यहाँ से सबमिट करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे कहना चाहता है कि आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में फिक्स हो जाएगा। फ्यूचर की बात तो छोड़ो, बट अभी आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करना है तो आपको अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस यूज़ करनी होगी। अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस में फर्स्ट वन बात करें तो कैरेट एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करना होगा कैरेट। जैसे यहाँ पे कैरेट एप्लीकेशंस को सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कैरेट वेदर करके एप्लीकेशंस मिलते हैं, उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे ही करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। इस एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत ही सारे ऑप्शंस मिल जाता है। आपको वेदर का डेटा या तो टेम्परेचर का डेटा एक्यूरेट मिलने वाला है। जिन आईफोन यूजर्स को यहाँ पे वेदर एप्लीकेशंस का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। नंबर टू की बात करें तो यहाँ पे एक्यू वेदर करके एक एप्लीकेशन है, जिससे भी आप अपना वेदर एप्लीकेशंस का प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। उसके लिए भी आपको आईफोन के अंदर ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको सर्च करना होगा एक्यू वेदर करके एक एप्लीकेशंस होगी। ये एप्लीकेशंस को अपने आईफोन या तो आईपैड के अंदर इंस्टॉल करने के बाद इसको भी सेम तरीके से ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पे इस एप्लीकेशंस को ओपन करोगे तो आपको इस तरह का अगेन इंटरफेस मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेम्परेचर एंड ऑल्सो एक्यूरेट डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा। आपके आईफोन के अंदर वेदर एप्लीकेशंस वर्क सही से नहीं कर रहा है तो आप कैरेट एंड एक्यू वेदर करके एप्लीकेशन से उसको अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा एंड हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।